श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि घर में जो हम एक्वेरियम रखते हैं उसे कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए ताकि आप वो जल्दी मालामाल हो सके। वास्तु फेंगशुई के अनुसार घर में फिश एक्वेरियम रखने से सुख समृद्धि आती है। मछलियों के संबंध में यह प्रचलित है कि उन्हें अटखेलियां करते हुए देखने में मानसिक शांति मिलती है। वहीं फेंगशुई शास्त्र कहता है कि मछली धन को आकर्षित करती है और किसी भी आपदा को अपने ऊपर ले लेती है। घर में एक्वेरियम रखते समय ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूं कि घर में एक छोटे से एक्वेरियम में सुनहरी मछलियां पालना सौभाग्यवर्धक होता है। फेंगशुई में मछली को सफलता व व्यवसाय में बढ़ोतरी का प्रतीक माना जाता है। अतः इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एक्वेरियम में 8 मछलियां सुनहरी और 1 काले रंग की होनी चाहिए। अगर कोई मछली मर जाती है तो माना जाता है कि घर के परिवार के किसी सदस्य पर आने वाली मुसीबत को अपने साथ ले गई और फिर उस मछली का रिप्लेसमेंट वहां पे डाल देना चाहिए। एक्वेरियम के संबंध में खास जो बातें हैं वो ये हैं कि यह एक जल तत्व का प्रतीक है। यह आपके घर में समृद्धि, संपत्ति, सफलता और पारिवारिक प्रेम में वृद्धि करता है। एक्वेरियम को रखते समय यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि एक्वेरियम को कभी भी मुख्य द्वार के समीप नहीं रखना चाहिए। उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक्वेरियम रखना बहुत शुभ रहता है। यह जगह धन और संपदा तथा समृद्धिदायक मानी जाती है। एक्वेरियम को वास्तुशास्त्र के अनुरूप तैयार किया जाना शुभ माना जाता है। ऐसा एक्वेरियम घर में रखने से जहां घर की अशांति दूर होती है, वहीं कोई भी दुर्घटना हो या किसी पारिवारिक सदस्य पर कोई छोटी बड़ी मुसीबत आने वाली हो तब भी एक्वेरियम की मछलियां वो आपदा अपने ऊपर ले लेती है और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को सुरक्षित रखने का कार्य करती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।